नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम जिला न्यायालय परिसर स्थित जिला अभियोजन कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ एडीपीओ श्री हरि प्रसाद बाके जी मौजूद हैं। अवैध शराब विक्रय के मामले में न्यायालय का आज एक फैसला आया, इसी मामले पर हम सर से बात करेंगे। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। न्यायालय द्वारा आरोपी गणेश को धारा 34(2) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम में 1 वर्ष का कारावास और 25,000 रुपये अर्थदंड पर दंडित किया गया है। यह मामला थाना छेगांव माखन का है। इसमें आरोपी का नाम गणेश है, जो अवैध रूप से 60 लीटर कच्ची हाथ भट्टी महुआ शराब बेच रहा था। तो इसे पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी, तो पुलिस उसके घर के पास गई थी, तो उसे ये 4 केन बेचते हुए पाया गया। वो तो उसको पुलिस ने फिर जब्त की। और कौन से नाम का मामला है? ये गांव का मामला है, छेगांव माखन के ही रहने वाला है। ग्राम छेगांव माखन का ही मामला है और थाना वही का है ये। और उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया फिर वहीं पे, और मामला पंजीबद्ध किया और न्यायालय ने आज सजा सुनाई इस मामले में उसको। इस मामले में सर चौधरी सर ने पैरवी की है, दांगी जी ने किया। आदरणीय दांगी जी ने पैरवी की है, हम उनसे भी बात करेंगे। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। सर न्यायालय ने जो सजा दी है, तो न्यायालय ने कुछ उसके अंदर तर्क या किसी तरह की कोई टिप्पणी भी की है क्या सर, इस बारे में बताइए। ज्यादातर मामलों में जैसे 34(2) के जो अपराध होते हैं, उनमें हमें ये अभियोजन को इतना ही प्रमाणित करना रहता है कि इससे जो आरोपी है, इससे जब्ती की कार्रवाई की गई है जी वंचान साक्षियों के समक्ष। इस मामले में बहुत अच्छा ये रहा कि जो साक्षी थे जी, उन्होंने पूरा अभियोजन घटना का समर्थन किया। दोनों जब्ती गिरफ्तारी के साक्षियों ने समर्थन किया था, साथ में जो हमरा साक्षी थे उन्होंने भी अभियोजन की घटना का समर्थन किया था। और जो जब्ती की कार्रवाई थी जो विवेचक द्वारा की गई थी, वो बहुत अच्छे तरीके से की गई थी। इसी आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया और उन्हें 1 वर्ष की सजा और 25,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। हमारे इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।